हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सल्यूशन नर्सिंग एकेडमी पर। और आप सभी को पता ही होगा, राजस्थान एनएचएम का दूसरी बार जो है ग्रीवेंस पोर्टल ओपन हुआ था, जिसकी लास्ट डेट थी 7 अप्रैल और 9 तारीख की जो है हाई कोर्ट ने रिजल्ट की बोला था। हुआ क्या कि अचानक से 30 मार्च को, यानी कल जो है आपका ग्रीवेंस पोर्टल बंद हो गया। अब अचानक से बंद हो गया या फिर सर्वर डाउन हो गए या फिर जो है रिजल्ट की तैयारी निकल हो गई आने की, जैसा कि बड़ा दिन बेनीवाल जी ने बोला था कि बुधवार तक आपको खुशखबरी मिल सकती है, तो इस चक्कर में बंद हुआ हो, क्या रीज़न रहा ये तो किसी ने बताया नहीं। एक्सपेक्टेड जो जानकारी अभी आप मेरे पास आई है तो उसी को मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या कारण रहा, क्यों बंद हुआ। 31 मार्च 2021 की लेटेस्ट आपको जानकारी दे रहा हूँ कि क्या रिजल्ट आने वाला है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये है कि काफ़ी अपने जो स्टूडेंट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन फ्यूचर वाले, स्लो है। स्लो यानी बहुत धीरे प्रोसेस करते हैं। पहले भी जब ग्रीवेंस पोर्टल ओपन हुआ था 10 से 15 के बीच में, तो काफ़ी लोगों ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, कल करा देंगे, परसों करा देंगे, ठीक है मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको ही होने वाली है। अभी फिर से काफ़ी लोगों ने नहीं करवा पाए आपत्ति, जैसे ही ओपन हुआ था तो आपको करवाना चाहिए था। आपको ये थोड़ी है भाई, 7 अप्रैल आपको लास्ट डेट दिए तो आप जो है 5 को 6 को जो है सबमिट कराओगे। जैसे ही कुछ चीज़ ओपन होती है कुछ चीज़, तो सबसे पहले आप वो चीज़ें कंप्लीट कर लिया करो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपका सिलेक्शन हुआ है, अभी आप मेरे पास मैसेज कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, थोड़ा सा सोल्यूशन आपका मैं अभी लाया हूँ, वीडियो इसलिए ही बनाई है ताकि आपको वीडियो के माध्यम से खबर दे दूँ कि रिमेनिंग जिसके बाकी अभी ग्रीवेंस पोर्टल में आपत्ति दर्ज करवाना, वो अपनी ऑफलाइन करवा सकता है। आप एनएचएम ऑफिस चले जाइए जयपुर में और वहाँ पर जाके आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर जाके आप अपनी आपत्ति दर्ज करवाइए ग्रीवेंस पोर्टल में। लास्ट डेट 7 अप्रैल थी, आज बुधवार है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आज रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या सच में आने वाला है? तो दोस्तों बता दूँ मैं आपको, आई थिंक 8 अप्रैल को सुनवाई है और 9 अप्रैल की जो है बोला था रिजल्ट आने की, तो आज एक तरह से सोच सकते हो आप, काफ़ी कम चांसेस हैं बिल्कुल लो सेक्शन में, क्योंकि मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि आज बुधवार को 31 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाए। दो खुशखबरी आपको शाम तक सुनने को मिल सकती है। पहली ये कि या तो आपको जो है रिजल्ट आ जाए, दूसरी ये कि आपके लिए ग्रीवेंस पोर्टल को जो है दोबारा ओपन कर दिया जाए। इफ़ ग्रीवेंस पोर्टल दोबारा ओपन होता है तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सबसे पहले ही खुलते ही आपको जो है अपनी आपत्ति दर्ज करवा देना। यार इतना सुस्ती, मतलब इतना आलसपन बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी लाइफ में। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है, अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं करवा रहे हो, ग्रीवेंस पोर्टल बंद हो जाता है, मेरे पास मैसेज करते हो, अदर यूट्यूबर्स के पास कॉल्स मैसेज करते हो, ऐसे नहीं चलता। देखिए, CHO की भी अभी लास्ट वास्ट सी सेट में हूँ और CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के टैब पर मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने सेक्शन खुल के आ जाएगा, लिंक फॉर ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल, ठीक है। तो जैसे ही मैं लिंक फॉर ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो है ये चीज़ आ जाएगी, HTTP स्टेटस ग्रीवेंस पोर्टल, ये कुछ इरर सा आ रहा है और रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। तो इसकी जानकारी तो देखिए मैं बता दूँ आपको, इसका मतलब तो यही होता है कि सर्वर थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं, काफ़ी स्पीड आ रही थी जब ओपन हुआ था। तो आई थिंक शाम तक आपको रिजल्ट की खुशखबरी तो नहीं, आई थिंक पोर्टल दोबारा और रीओपन हो सकता है, क्योंकि 7 तारीख लास्ट है, 7 दिन शेष है आपके पास, तो इसके पहले तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आपका 9, 10 या फिर 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आज आ जाए तो अच्छी बात है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ जानकारी आपको कि आपका ग्रीवेंस पोर्टल ओपन हो सकता है आज। ओके, बड़ा दिन वाले बोल दिया था, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करवा दे NHM ऑफिस में जाके, ओके। और जो कुछ भी हुआ था कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था, कोर्ट के ऑर्डर पे ही आपका ग्रीवेंस पोर्टल खोला गया था, काफ़ी ठीक है सभी लोगों का। NCL ऑफिस मैंने बता दी पिछली जानकारी, रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वीडियो लंबी हो जाती है, छोटी सी खबर देने के लिए आया था आपको। क्योंकि ग्रीवेंस पोर्टल जैसे ही बंद हुआ, आपने फिर से मेरे पास मैसेज करना शुरू कर दिया, कॉल्स करने शुरू हो गए, मेरे दोस्त जो अदर यूट्यूबर्स है बड़े बड़े, उनके पास भी आप जो है कॉल्स मैसेज कर रहे हो, सर ग्रीवेंस पोर्टल बंद हो गया, क्या कर रहे हैं यार। जब ओपन हुआ है तो आप 2 दिन हो गए, मतलब अभी तक आपने आपत्ति दर्ज नहीं की, आपको शर्म आनी चाहिए ना। आप अप्लाई कीजिए जल्दी से, जैसे ही ओपन होता है आपको अप्लाई करना चाहिए। इतना सुस्तीपन क्या, किस काम का, मतलब आलसपन। आपका वैकेंसी में नंबर आ गया है, प्रोविजनली आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको दिक्कत आ रही है तो आपको मौका दे रही है सरकार ग्रीवेंस पोर्टल में, तो आपको इसमें दर्ज कराना चाहिए। आप वेट क्यों करते हो कि हम कल करा देंगे, परसों करा देंगे, नर्सों करा देंगे,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी टाइम है, फटाफट NHM ऑफिस जाइए जयपुर में और वहाँ पे अपनी रिमेनिंग जो भी बाकी आपकी आपत्ति उसको ग्रीवेंस में आप सबमिट करवा दीजिए ऑफलाइन NHM ऑफिस जाके। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट, और जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं इस चैनल पर अपडेट दे दूँगा आपको। मेरा व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कभी कभी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, हॉस्पिटल में रहता हूँ इस कारण, तो PDF जैसे ही आता है तो PDF तो मैं सेंड कर ही देता हूँ आपको मेरे टेलीग्राम व्हाट्सअप पर। वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि वहाँ पे आप मुझसे बातचीत कर सको, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी मैं काफ़ी लोगों का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, 80 से 100 मैसेज रोजाना आते हैं तो उनका भी रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये थी, इसके अलावा आपको कोई अपडेट हो, कुछ जानकारी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। एक एक चीज़ ही है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस की रिमेनिंग बाकी है, कितने जने की रिमेनिंग बाकी है, आपत्ति दर्ज करवाना और क्या आप उनको दर्ज करवाना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि पता चल जाएगा कि कितनी जो है बाकी है जानकारी। ये देखिए अभी भी कॉल्स आ रहे हैं, मतलब कह रहा हूँ ना मैं। तो ठीक है, कमेंट कर दीजिए आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी इंक्वायरी हो, और जिसकी रिमेनिंग हो गेम्स पोर्टल में सबमिट करवाना, तो आप मैं देखता हूँ जानकारी, और मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना जिसकी ज़्यादा दिक्कत हो। ओके, छोटी मोटी दिक्कत वाले मुझे कॉन्टैक्ट ना करें, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कुछ अगर ज़्यादा ही सीवियर प्रॉब्लम आ रहा है यो NHM की तरफ से आपको, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों थोड़ी छोटी सी जानकारी, 30 मार्च को क्लोज कर दिया गया है ग्रीवेंस पोर्टल, आज बुधवार है, खुशखबरी मिल सुनने को भी मिल सकती है, चांसेस है रिजल्ट आने के नाम मात्र बिल्कुल आज शाम तक, या फिर ग्रीवेंस पोर्टल दोबारा ओपन हो जाएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, मेरी बात सही साबित हो जाएगी यार, क्योंकि 7 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। 9 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आने की काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, 8 अप्रैल को आपकी सुनवाई है हाई कोर्ट में, मैं पहले बताता हूँ, उसके पहले तो रिजल्ट क्या आने की उम्मीद लगी है, ठीक है ना। ये गाइडलाइन आपको दी गई है, मैंने इस पर पहले वीडियो बना दी है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी करने से ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा इसी चैनल पर, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके।